जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, हमारा प्यारा बच्चा पप्पू जो कि पढ़ाई में तो अच्छा था ही, लेकिन स्कूल का फीस ना दे पाने के कारण उसको स्कूल से निकाल देता है प्रिंसिपल। पापा पापा मुझे स्कूल से निकाल दिया, बोले तेरी फीस नहीं आई पिछले 6 महीने से। फिर पप्पू का पापा स्कूल जाता है और प्रिंसिपल को धमकाता है, मेरे हाथ में देखो बहुत पैसे वाली चीज है, इससे पेमेंट कर दूं तो चलेगा। और इसी बात से प्रिंसिपल भी पुलिस में कंप्लेन करता है और पुलिस वाला आता है और पप्पू के पापा को उठा के लेके चला आता है। चल तू मेरे साथ, तेरे को बताऊंगा मेरे भाई प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी कैसे दे रही तूने। उसके बाद बारह साल बीत जाता है और हमें पता चलता है जो कि पप्पू था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। जो ज्यादा मचमच करे ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठोक देने का सीधा। जी भाई। चला मेरे साथ, देखता हूँ कैसे पाप के सामने मना करता हफ्ता देने को। अब आगे वाह बूढ़े। अरे पप्पू तू यहाँ क्यों? अरे बूढ़े फट गई मुझे देखते तेरी, हफ्ता क्यों नहीं भेजा रहे तू? क्या हुआ अगर इस हफ्ते हफ्ता नहीं भेजा तो? 5 साल से तुझे पाल ही रहा हूँ ना। तू पाल रहा है मुझे तो और क्या, 5 साल से हमारे ही दिए हुए पैसों से तो ऐश कर रहा है तू। क्या बोला रे बूढ़े, तू भूल गया रे मुझे ज्यादा मजबूत पसंद नहीं। पापा आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते पापा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पापा को गोली मारी। इस भाई पे हाथ उठाती है, तुझे भी यही ठोक देंगे तेरे बाप के साथ, समझी? ए बुरा पीछे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। निकलो भाई यहाँ से, अपना काम हो गया। पापा उठ जाइए प्लीज। भाई आपने उस लड़की को क्यों नहीं ठोका वहाँ? वो आप पे हाथ उठा रही थी और आप चुपचाप खड़े थे। वो लड़की कौन थी रे बुरा? वो उसी चीफ की बेटी थी भाई। आज से पहले तो कभी नहीं देखा रे मैं उसको यहाँ। भाई वो बहुत सीधी लड़की है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, बस इतनी ही जिंदगी है उसकी। क्या नाम है उसका? मेरे को क्या पता भाई, छोड़ो ना, जो भी है अपने को क्या लेना देना। नहीं से नहीं छोड़ूंगी मैं, उन्हें सजा दिलवा के ही रहूंगी मैं। अभी पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगी मैं, उसके उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी, पर मैं अब उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ लड़की, रो क्यों रही हो? साहब मेरे पापा को मार दिया। आओ अंदर। क्या हुआ, तुम कौन हो? सर मेरा नाम दिया है, किसी गुंडे ने घर में घुस के मेरे पापा को गोली मार दी। ऐसा कौन है जो हमारे इलाके में आके घर में घुस के गोली मार रहा है? तुम जानती हो उसे वो कौन था? कुछ नाम वाम पता है उसका? नहीं सर मैं उससे नहीं जानती, पर उसके साथ एक लंबे बालों वाला लड़का था, उससे पप्पू भाई बोल रहा था। क्या पप्पू भाई? अरे ना बाबा ना, हम उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकते, वो तो डॉन है। तुम जाओ यहाँ से, हमें कोई मरने का शौक नहीं है। कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग, शर्म करो बुजदिलो, एक मामूली सी गुंडे से डर गए। देखो मैडम, अगर वो मामूली गुंडा होता तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बाप को नहीं मारता। बात को जरा समझो, हमारे घर में भी बीवी बच्चे हैं। तुम्हें पुलिस की नौकरी में नहीं, कोठे पे तबला बजाने की नौकरी में होना चाहिए था, समझे? मैं अभी कमिश्नर को कॉल करके तुम्हारे बारे में बताती हूँ। अरे अरे मैडम रुकिए, बात तो सुनिए, 2 मिनट दीजिए हमें बस। तो ठीक है हम चलते हैं तुम्हारे साथ, पकड़ेंगे पप्पू को। जी इंस्पेक्टर साहब चलिए। आइए आप हमारे साथ आइए। सर आप चलिए आगे। तू आगे चल, दैट्स माय ऑर्डर। कहाँ हो पप्पू सर, बाहर आ जाओ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ए इंस्पेक्टर काहे को शोर मचा रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा? हाँ सर यही था वो, पकड़िए इसे। अरे मैडम हम अपना काम कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए। पप्पू भाई आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई इस लड़की ने, हम तो आपको लेने आए हैं। चलो बलदार पकड़ो भाई को। चल रहा है इंस्पेक्टर, कहाँ लेके चलेगा? अरे इंस्पेक्टर मैं बैठूंगा इस लड़की के साथ वाली सीट पे ही। अरे भाई आप कहीं भी बैठो, बस आप चलो। इंस्पेक्टर साहब मैं इसमें केस करूंगी, इसे फांसी दिलवाऊंगी मैं। अरे मैडम आप चिंता मत कीजिए, इन्हें आप हम पे छोड़ दीजिए, आप जाइए आराम कीजिए। अब देखती हूँ कैसे बचता है तू। ओ हवलदार इधर आ। जी साहब। मुझे अंदर करोगे तुम, यहीं ठोक दो तुम्हें। अरे नहीं नहीं पप्पू भाई, हम तो बस आपके यहाँ चाय पानी पिलाने लाए थे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इंस्पेक्टर कि तुम लड़की को साथ लेके आए, नहीं तो तुम दोनों को वहीं ठोक देता मैं। अरे भाई वो लड़की है, मैं जबरदस्ती लेके आई थी वहाँ। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और हाँ तेरी गाड़ी लेके जा रहा हूँ मैं, अड्डे से उठवा लियो। जी जी जरूर भाई। कहाँ मर गए सबके सब? अरे भाई आप आ गए। चल छोड़िए सब और आ मेरे साथ। पर कहाँ भाई? तेरी भाभी के पास। वाह भाई भाभी भी ढूंढ ली। तू यहाँ, तुम्हें तो जेल में बंद करवाया था ना मैंने। अरे उसकी इतनी औकात है जो मुझे अंदर कर दे वो। मैं उन पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं।
कल फिर आऊंगा बेबी, यही मिलना छत पे। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको छोड़ने की? अरे अरे मैडम देखिए, हम तो आपको भी यही समझाएंगे, आप भी दूर रहिए उसे, वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, बहुत बड़ा डॉन है। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग डरते होंगे उससे, मैं नहीं। आपके जाते ही उसने हम लोगों को भी धमकी दी है, अगर हम उसके अड्डे पे फिर से गए ना तो हम लोगों को भी मार देगा। अच्छा आप लोग ऐसा कीजिए, उसका फोन नंबर मुझे दे दीजिए, मैं ले देके एक केस निपटा लूंगी। ये की ना मैडम आपने समझदारी वाली बात, तो लिखिए भाई का नंबर 99 71 87 51। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है, मेरे बाप को मारा ना तूने, अब मैं तेरी मारूंगी।